दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 प्लस के लॉन्चिंग से पहले चार्जिंग और बैटरी की डिटेल सामने आ गई है। उसके अलावा बताएंगे आपको सोनी का पोर्टेबल पॉकेट AC दोस्तों उसकी जापान में क्या प्राइस है और भी ढेर सारी टेक न्यूज पर चर्चा करेंगे आज के एपिसोड में। देखते रहे वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देख रहे शुरू कर चुके हैं द टेक्निकल चार्जर। तो दोस्तों आगे बढ़ते लेकिन जान लेते कल वाले पोल का हाल, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि दोस्तों क्या आप सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज के लिए उत्सुक हैं। तो आप लोगों ने जवाब दोस्तों दे दिए हैं। 62% लोगों ने कहा है कि हाँ बिल्कुल उन्हें इंतजार है इस सीरीज का, जबकि 38% लोगों ने कहा है कि भाई कोई इंतजार वगैरह नहीं है, लॉन्च होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक है। दोस्तों आज के पोल में आपको बताना है कि सोनी का जो पोर्टेबल पॉकेट AC लॉन्च हुआ है उसका इंतजार दोस्तों आप कितने उत्सुकता से इंडिया में कर रहे हैं ताकि वो जल्दी से आए और आप भी अपने जिस्म को ठंडा कर सकें जबकि आप अपने रूम से बाहर हो। तो बात करते हैं सबसे पहली न्यूज में दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 प्लस की चार्जिंग डिटेल आ गई सामने कि इसमें मिल सकती है 45 वाट की फास्ट चार्जिंग। वैसे बैटरी को लेकर तो पहले से खबर आ चुकी है कि 10,900 mAh की बैटरी बड़ी हमें इसमें देखने को मिलेगी। उसके अलावा 5 अगस्त को ये टैब सीरीज भी लॉन्च हो सकती है नोट 20 सीरीज के साथ में। बाकी हकीकत कितना है दोस्तों, लॉन्चिंग तक इंतजार करते हैं। अगली न्यूज़ है दोस्तों, JBL ने इंडिया में कर दिए हैं अपने 1 सीरीज के पोर्टेबल मॉनिटर स्पीकर लॉन्च, जिसमें कि आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 सपोर्ट मिलेगा। साथ में आपको बता दूं कि इसके प्राइस फ्लिपकार्ट पर 11,499 रुपए से शुरू होंगे और फ्लिपकार्ट पर आप परचेस करते हैं तो 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी इस समय आपको मिल रहा है। अगली न्यूज़ है दोस्तों, बड़ी ही रोचक और कमाल की। फ्लिपकार्ट पर एक कस्टमर ने दोस्तों ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर में जो एड्रेस दिया था डिलीवरी का वो सबसे ज्यादा हंसी का पात्र है दोस्तों। उसमें एड्रेस को इस तरह से दिया गया था कि बस डिलीवरी बॉय जो आएगा उसको फोन करना है सीधे मंदिर पर पहुंचकर। और उस जब इमेज जो वायरल हुई ऑनलाइन तो ट्विटर पे फ्लिपकार्ट ने भी दोस्तों उस पे बड़ा ही मजेदार अपना ट्वीट कर दिया है। आप भी इस फोटो में देख के दोस्तों एड्रेस का मजा ले सकते हैं। अगली न्यूज़ है दोस्तों, एप्पल ने टीचर्स के लिए ऑनलाइन फ्री कोडिंग कोर्स दोस्तों शुरू कर दिया है। शुरुआत इसकी US से की गई है। COVID-19 की वजह से स्कूल और कॉलेज दोनों ही बंद हैं, तो ऐसे में एप्पल ने ये शुरुआत की है कि घर बैठे ऑनलाइन कोर्स से कोडिंग को आसान किया जाए और टीचर्स को उसे सिखाया जाए। इसके लिए कैंपेन का नाम रखा गया है एवरीवन कैन कोड। दोस्तों देखते हैं कि इस जो कोर्स है ऑनलाइन इसका क्या असर आता है और क्या ये बाकी ग्लोबली जो टीचर्स हैं US के बाहर उन्हें भी इसका फायदा होता है या नहीं। अगली न्यूज़ है दोस्तों, सैमसंग ने इंडिया में कर दिया है अपने गैलेक्सी A71 स्मार्टफोन पर One UI 2.1 का अपडेट रिलीज। साथ में आपको कैमरे इंप्रूवमेंट्स के फीचर्स भी दोस्तों इस अपडेट में मिल जाएंगे। उसके अलावा जून का सिक्योरिटी पैच भी साथ में रिलीज कर दिया है। अगली न्यूज़ है दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी बड्स ट्रू वायरलेस एयरफोन्स के दोस्तों इमेजेस हो गई हैं लीक, जिसमें कि डिजाइन से लेके चार्जिंग केस और कलर्स दोस्तों रिवील हो गए हैं। वैसे आपको ये नए सैमसंग के गैलेक्सी बड्स के बारे में बता दूं तो ये एयरपॉड यानी कि एप्पल एयरपॉड के ही दोस्तों राइवल हैं। लुक बड़ा ही क्रेजी है और कलर्स जो सामने आए हैं उसमें ब्लैक, गोल्ड और व्हाइट कलर दोस्तों दिखाई दे रहा है। बाकी इंतजार करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन दोस्तों रिवील होने का। अगली न्यूज़ है दोस्तों, सोनी करने जा रहा है एपिक गेम्स में $250 मिलियन का बड़ा इन्वेस्टमेंट। अगर आपको एपिक गेम्स के बारे में नहीं पता है तो जान लीजिए दोस्तों, फोर्टनाइट और अनरियल एनिमीज जैसे पॉपुलर गेम इसी कंपनी ने बनाए हैं। इस इन्वेस्टमेंट के बाद सोनी दोस्तों अपने प्लेस्टेशन के लिए हो सकता है कि एपिक गेम्स की मदद से नए नए गेम्स और एप्लीकेशन दोस्तों तैयार कराए। बाकी देखते हैं फ्यूचर में क्या निकल के आता है। और लास्ट न्यूज भी दोस्तों सोनी से है। सोनी ने कर दिया है पोर्टेबल पॉकेट AC लॉन्च, जिसकी जापान में प्राइस दोस्तों $169 रखी है। अगर इसको कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज में तो 12,000 या उससे ऊपर या नीचे दोस्तों प्राइस लगभग आसपास रह सकती है। वैसे इस पॉकेट AC के बारे में बता दें तो इसका यूज कर आप अपनी बॉडी टेम्परेचर को 13 डिग्री तक दोस्तों रिड्यूस कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर 36 डिग्री कहीं पर टेम्परेचर है तो आप अगर इसका यूज करते हैं तो आप सिर्फ 23 डिग्री टेम्परेचर ही महसूस करेंगे, 13 डिग्री टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। बाकी स्मार्टफोन के एप्लीकेशन के मदद से आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। बाकी इंतजार रहेगा दोस्तों इंडिया में कब तक सोनी इस पोर्टेबल AC को लॉन्च करता है और क्या एग्जैक्ट प्राइस इंडिया में रहते हैं। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, और भी ढेर सारी टेक न्यूज अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.technicalcharger.in को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
इनवाइट कीजिए अपने फ्रेंड्स को और जाते तक लीजिए चैनल सब्सक्राइब अगर अभी भी नहीं करें घंटे को नजर दबा दी ताकि अगले आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तब तो अपना ख्याल रखिए जोड़ी रिमेडियो के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।